हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हम तो हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके। हम तो थोड़ा उठे लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, वैसे बीजेपी का दिमाग खराब हो गया। बीजेपी कहा करती थी, साल पहले कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारा मुद्दा क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, ये तो गुरुओं का सेंटर है नागपुर, गुरु गलवलकर का सेंटर है। आज का गुरु कौन है वो आप जानते होंगे। तो ये गुरुओं के सेंटर में आपने जरूर सुना होगा कि बीजेपी कहती थी, साल पहले तक कहती थी, 6 महीने पहले तक कहती थी कि बीजेपी का आने वाले चुनाव में मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार बीजेपी का मुद्दा होगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले, पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले, आज बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। बीजेपी द्रौपदी की तरह से आज नंगी नजर आती है। आज हर कोई जानता है कि कांग्रेस के मुकाबले में, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक मेंबर पार्लियामेंट को खरीदा और वो भी सिर्फ 4 को खरीदा। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख में एक एमएलए को खरीदा और उनको मिनिस्ट्री भी दी। एमएलए को 50 लाख रुपया और मिनिस्ट्री। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे लोगों को भी खरीद रहे थे। लेकिन जो नहीं बिके, बीएसपी के लोग जो नहीं बिके, जो ना बिकने वाले थे, जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया, उसका आज भी कोई एमएलए नहीं बिका है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के एमएलए का रेट 1 करोड़ कर दिया है। जिस बीजेपी ने मेंबर पार्लियामेंट का रेट 1 करोड़ दिल्ली में रखा है, लखनऊ में बीएसपी के एमएलए का, बाकी का नहीं, बीएसपी के एमएलए का। क्यों? क्योंकि 12 गए हैं और 11 और चाहिए उनको। लेकिन 11 में से 1.25 महीना हो गया, आज तक उनको एक नहीं मिला है। जो बीएसपी का आधार है, जो जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया है, उसमें से 1-1 करोड़ को एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री, 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री। अब कांग्रेस की, कांग्रेस के अध्यक्ष को, नरसिंह राव को 40 लाख में खींच रहे हैं। उसने तो 40-40 लाख में, कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक एमपी खरीदा है। भाई एमपी का रेट तो ज्यादा होना चाहिए। और बीजेपी ने 50-50 लाख को एक एक एमएलए खरीदा है। और बीएसपी के 3 मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैं, जिनको उन्होंने ऑफर दी है तो उनके सीबीआई के पास उनके एफिडेविट हैं। तो बीजेपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। आज द्रौपदी की तरह से, हमारी द्रौपदी नहीं, बीजेपी वालों की द्रौपदी। मुझे तो द्रौपदी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले को तो चांगला मालूम होगा। तो उनकी द्रौपदी की तरह से आज बीजेपी नंगी हो गई है। ये बीजेपी देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है।